हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा SBI क्रेडिट कार्ड चार्जेस के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, SBI बैंक के द्वारा SBI क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले एनुअल फ़ी और रिन्यूअल फ़ी कस्टमर से लिया जाता है। दोस्तों, एनुअल फ़ी को SBI क्रेडिट कार्ड धारक से केवल एक बार लिया जाता है, जबकि रिन्यूअल फ़ी को SBI क्रेडिट कार्ड धारक से हर साल रिन्यू करने के लिए लिया जाता है। ये फ़ी सभी क्रेडिट कार्ड SBI क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक समान नहीं होता है। दोस्तों, ये एक कार्ड धारक से दूसरे कार्ड धारक के लिए अलग अलग हो सकता है। साथ ही ये क्रेडिट कार्ड के टाइप पर भी निर्भर करता है कि कस्टमर से एनुअल और रिन्यूअल फ़ी कितना लिया जाएगा। दोस्तों, SBI क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला एनुअल फ़ी और रिन्यूअल फ़ी के बारे में कस्टमर को SBI क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय ही बता दिया जाता है। दोस्तों, ये फ़ी SBI क्रेडिट कार्ड धारक के खाते से लिया जाता है और इसे क्रेडिट कार्ड के डिटेल बिल में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अगर प्राइमरी क्रेडिट कार्ड धारक को एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड SBI बैंक के द्वारा जारी किए गए हैं तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड धारक को अलग से फ़ी देना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं SBI क्रेडिट कार्ड कैश एडवांस फ़ी के बारे में। दोस्तों, SBI क्रेडिट कार्ड धारक आवश्यकता पड़ने पर अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल ATM से कैश विड्रॉ कर सकता है। इस प्रकार की विड्रॉल पर बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन फ़ी लगाया जाता है और इसे कार्ड धारक के अगले क्रेडिट कार्ड के डिटेल बिल में जोड़ दिया जाता है। ये ट्रांजेक्शन फ़ी 2.5% तक लिया जाता है। दोस्तों, अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ डोमेस्टिक ATM यानी कि भारत में स्थित किसी ATM से करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन फ़ी के रूप में निकाली गई कैश की अमाउंट का 2.5% या ₹500 जो भी अधिक हो वो ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पर देना होता है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इंटरनेशनल ATM पर कैश विड्रॉ करने के लिए करते हैं तो आपको निकाली गई राशि का 2.5% या ₹500 जो भी अधिक हो वो ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पर आपको देना होता है। दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन फ़ी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और वो इसमें चेंज करने के लिए ऑथराइज्ड है। दोस्तों, इसके साथ ही ATM से निकाले गए कैश की डेट से सेटलमेंट की डेट तक एक सर्विस टैक्स भी लगाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं SBI क्रेडिट कार्ड कैश पेमेंट फ़ी के बारे में। दोस्तों, SBI क्रेडिट कार्ड धारक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट SBI बैंक की कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेज में जाकर भी पेमेंट कर सकता है। इसके लिए वो सिलेक्टेड ब्रांचेज में जाकर पे इन स्लिप में क्रेडिट कार्ड नंबर और जमा की जाने वाली अमाउंट का को डिटेल में भरकर इसे ब्रांच की काउंटर पर इसे जमा करके अपने SBI क्रेडिट कार्ड की ड्यू अमाउंट का पेमेंट आसानी से कर सकता है। अपने SBI क्रेडिट कार्ड की ड्यू अमाउंट का पेमेंट इस मोड से करने के बाद बैंक के द्वारा SBI क्रेडिट कार्ड धारक को एक डिपॉजिट स्लिप भी दिया जाता है। दोस्तों, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्रेडिट कार्ड धारक को ₹250 और अन्य एप्लीकेबल टैक्सेस को पे करना होता है। दोस्तों, अब हम SBI क्रेडिट कार्ड के अन्य चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, SBI क्रेडिट कार्ड पर कस्टमर को समय समय पर एक्स्ट्रा फ़ी भी देना पड़ सकता है। ये फ़ी एक कार्ड धारक से दूसरे कार्ड धारक के लिए अलग अलग हो सकता है। ये फ़ी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दी जाने वाली एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए लगाया जा सकता है। दोस्तों, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास किसी भी समय किसी भी फ़ी में चेंज करने का पूरा अथॉरिटी होता है। वो कार्ड धारक को इन्फॉर्म करने के बाद नए फ़ी को लागू कर सकता है। दोस्तों, अब हम SBI क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, SBI बैंक के द्वारा SBI क्रेडिट कार्ड धारक को 20 से 50 दिनों तक की इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट ग्रेस पीरियड प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्रेडिट कार्ड धारक को चाहिए कि उसने पिछले महीने की ड्यू अमाउंट का पूरा पेमेंट कर दिया हो। अगर वो पिछले महीने की ड्यू अमाउंट का पूरा पेमेंट नहीं करता है तो क्रेडिट कार्ड धारक को इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट ग्रेस पीरियड की सुविधा नहीं दी जाती है। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि SBI क्रेडिट कार्ड फिनेंस चार्जेस क्या है।
दोस्तों SBI क्रेडिट कार्ड धारक को अपने क्रेडिट कार्ड के सभी ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मंथली इंटरेस्ट रेट पर फिनेंस चार्ज भी देना पड़ता है। अगर क्रेडिट कार्ड धारक अपने पिछले महीने की ड्यू अमाउंट का पूरा पेमेंट नहीं करता है और अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एडवांस कैश एडवांस के लिए करता है तो इस पर भी उसे फिनेंस सर्विस चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों वर्तमान में SBI क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला फिनेंस चार्ज मंथली 3.5% है जो कि एनुअली 42% होता है। दोस्तों ये रेट्स SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो जब चाहे इसमें बदलाव कर सकती है। दोस्तों फिनेंस चार्ज SBI क्रेडिट कार्ड धारक के खाते से तब तक डेबिट किए जाते हैं जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि का पूरा पेमेंट कार्ड धारक के द्वारा नहीं कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम SBI क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट फी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यदि क्रेडिट कार्ड धारक के द्वारा पेमेंट की ड्यू डेट तक मिनिमम ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर दिया जाता है तो क्रेडिट कार्ड धारक को लेट फी देना पड़ता है। अब हम इस लेट फी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपका ड्यू अमाउंट 0 से 500 रुपये है तो आपको कुछ भी लेट फी नहीं देना होगा, और अगर आपका ड्यू अमाउंट 500 से 1000 रुपये है तो आपको लेट फी 400 रुपये देनी होगी, और अगर आपका ड्यू अमाउंट 1000 से 10000 रुपये है तो आपको 750 रुपये लेट फी देना होगा, और अगर आपका ड्यू अमाउंट 10000 से 25000 रुपये है तो आपको लेट फी 950 रुपये देना होगा, और अगर आपका ड्यू अमाउंट 25000 से 50000 रुपये के बीच है तो आपको लेट फी 1100 रुपये देना होगा, और अगर आपका ड्यू अमाउंट 50000 रुपये से अधिक है तो आपको लेट फी चार्जेस 1300 रुपये देना होता है। दोस्तों अब हम SBI क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू फिनेंस चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों SBI क्रेडिट कार्ड धारक के द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स समय पर पेमेंट न करने पर SBI क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू फिनेंस चार्ज भी लिया जाता है। ये फी कार्ड धारक से 3.5% मंथली जो कि 43.8% एनुअली हो जाती है। दोस्तों अब हम SBI क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों SBI क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपने क्रेडिट कार्ड धारक से इंटरनेशनल करेंसी में ट्रांजैक्शन करने पर SBI क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फी लिया जाता है। दोस्तों ये SBI क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन फी ट्रांजैक्शन अमाउंट का 3.5% होता है, और ऑरम क्रेडिट कार्ड के लिए ये ट्रांजैक्शन फी 1.99% होता है। दोस्तों अब हम SBI क्रेडिट कार्ड ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। SBI क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर्स को अपने क्रेडिट लिमिट से ओवर लिमिट निकासी की भी सुविधा देती है, यानी कि वो अपने क्रेडिट लिमिट से अधिक धनराशि की भी निकासी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए SBI क्रेडिट कार्ड धारक को ओवर लिमिट फीस का पेमेंट करना पड़ता है। दोस्तों SBI क्रेडिट कार्ड धारक को ओवर लिमिट अमाउंट पर ओवर लिमिट फीस के रूप में ओवर लिमिट जो आप निकासी करते हैं उसका 2.5% या फिर 600 रुपये जो भी मिनिमम हो उसका पेमेंट आपको करना होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना SBI क्रेडिट कार्ड चार्जेस के बारे में डिटेल से, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड सभी इसे जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।